नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए आपको लिए चलते हैं आज इंटरनेशनल दुनिया की ओर। आज हम बात कर रहे हैं कलयुग में इराक के सबसे ताकतवर बादशाह सदर सदाम हुसैन की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सदाम हुसैन जब से इसराइल पर भयंकर हमला किया था, सदाम की स्कर्ट मिसाइल के सामने इसराइल धर्रा उठा था। यही असली वजह थी जो ब्रिटेन, अमेरिका, इसराइल और तमाम इस्लाम विरोधी देशों को डर सताने लगा था कि कहीं सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया पर राज कायम ना कर दे, वह अंदर ही अंदर परमाणु हथियार ना बना दे। सद्दाम हुसैन को देश छोड़ने पर धन ले जाने की भी अमेरिका ने इजाजत दी थी, मगर सद्दाम हुसैन ने अपने देश को छोड़कर भागना गवारा नहीं समझा और इस्लाम विरोधी मूर्खों का डटकर मुकाबला किया। हकीकत में सद्दाम हुसैन एक मर्दाना बादशाह था। अमेरिका और ब्रिटेन ने सद्दाम हुसैन पर 148 लोगों के मारने तथा रासायनिक जैविक हथियार रखने का आरोप लगाया और इराक में अपनी सेनाएं उतार दी। कातिल अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के इशारे पर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया ताकि उसे इराक की सत्ता और फिलिस्तीन की आज़ादी से रोका जा सके। सद्दाम हुसैन के दो वकीलों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वह सद्दाम हुसैन केस की पैरवी कर रहे थे। सद्दाम हुसैन केस का फैसला सुनाने से चंद घंटे पहले ही जज को बदल दिया गया। फिर वही हुआ जो अमेरिकी और इस्लाम दुश्मन चाहते थे। 30 सितंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी देने का आदेश दे दिया गया। इराक के बादशाह की मौत का नाजायज तरीके से फरमान सुनाया गया। फांसी लगने से पहले सद्दाम हुसैन से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। सद्दाम हुसैन ने सिर्फ तीन चीजें मांगी, तस्बीह, मुसल्ला और कुरान शरीफ। फांसी लगने से पहले सद्दाम हुसैन ने नमाज में तस्बीह पढ़ी और कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए फांसी के तख्तेदार के तरफ बढ़े। सद्दाम हुसैन के दाएं हाथ में कुरान थी और बाएं हाथ में तस्बीह और मुसल्ला था। फांसी पर चढ़ने से पहले कुरान शरीफ जल्लाद को दी और अल्लाहू अकबर के नारों के साथ फांसी के फंदे तक पहुंच गए। पूरे दरबार में गम और सन्नाटे का माहौल था, मगर सद्दाम हुसैन के चेहरे पर कुछ अलग ही सुकून था। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी वह बकरा ईद का दिन था। मुसलमान एक तरफ पूरी दुनिया में जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिका और इस्लाम दुश्मन ने सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया था। फांसी लगने से ठीक पहले सद्दाम हुसैन की जबान पर कुरान की आयतें जारी थी। सद्दाम हुसैन ने उस कपड़े को भी पहनने से मना कर दिया जिसे आमतौर पर फांसी लगती है वक्त हर मुजरिम को पहनाया जाता है। सद्दाम हुसैन का वह पहला मंजर था जिसकी मौत का नजारा पूरी दुनिया ने देखा था। पूरे संसार में सन्नाटा पसरा हुआ था। दुनिया भर के मुसलमान सस्कियां भर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, तो वहीं इस्लाम दुश्मन जश्न मना रहे थे। सद्दाम हुसैन को जब फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था तब वहां सुरक्षा में खड़े सभी अमेरिका व इराकी सैनिक रो रहे थे। उन्होंने आज तक इतिहास में इतना बेहतरीन इंसान नहीं देखा था। बड़े ही अचंभे की बात थी कि एक इराकी बादशाह को फांसी दिए जाने पर अमेरिका सेना आंसू बहा रही थी। सद्दाम को फांसी लग रही थी, वहीं अमेरिकी सेना के एक अफसर एडन रोजर ने रोते हुए कहा, हमने सद्दाम हुसैन के साथ गद्दारी की है, हम हत्यारे हैं। फांसी लगने के बाद कई अमेरिकी बड़े अफसर, दर्जन भर सैनिकों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। सद्दाम हुसैन अपनी दौरे हुकूमत के चलते हैं भारत का एक बेहतरीन दोस्त रहे थे। भारत की हर मुश्किल घड़ी में सद्दाम हुसैन भारत के साथ खड़े रहे। भारत को कभी सद्दाम हुसैन ने निराश नहीं होने दिया। उस वक्त भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इराक पहुंचकर सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों के नाम रखे थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के मुताबिक पता चला यदि सद्दाम हुसैन थोड़े दिन और जिंदा रहते तो इसराइल से फिलिस्तीन को आज़ाद करा लेते। मस्जिद अलक्सा आज मुसलमानों के हाथों में होती। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी जरूर दे दी, मगर वह लोगों के दिलों से सद्दाम हुसैन को मोहब्बत को मिटा नहीं पाए। सच तो यह है कि सद्दाम हुसैन आज भी दुनिया के हर मुसलमान के दिल में जिंदा है। सद्दाम हुसैन किसी के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए विलन हैं। मगर दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में सद्दाम हुसैन के बारे में दो शब्द जरूर लिखें। क्या उन्हें सजाए मौत जायज थी या फिर उनके साथ गद्दारी हुई? फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगली वीडियो में फिर लेकर हाजिर होंगे सद्दाम से जुड़ी एक नई कहानी। हरियाणा मेवात से संवाददाता अर्षद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।